चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो समझते हैं एलसीएम क्या होता है। तो दो नंबर मैं ले रहा हूँ, तो समझते हैं एलसीएम क्या होता है। दो नंबर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, एक तो लेता हूँ 12 और एक लेता हूँ मैं 18। इन दोनों नंबर्स का मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा 12, यहाँ पर लिखूँगा 18 और इस तरीके से कि यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेता हूँ, एक यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। अब देखिए ये जो 12 और 18 ये जो दोनों नंबर्स हैं वो 2 से डिविजिबल हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। तो 2 टाइम्स 6 इज 12, 2 टाइम्स 9 इज 18। अब ये जो दो नंबर्स हैं वो 3 से डिविजिबल हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3। तो 6 जो है वो 3 से 2 टाइम्स डिवाइड होगा, जो 3 है वो 3, जो 9 है वो 3 से 3 टाइम्स डिवाइड होगा। मैं यहाँ पे आया 2 और 3, तो इस 2 को मैं 1 टाइम्स कैंसिल आउट कर देता हूँ, यहाँ पे रह गया 3 और इस 3 को मैं यहाँ से 3 टाइम्स 1 डिवाइड करके लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 2 3 2 3। ठीक है, इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36 होगा। तो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा, 36 होगा। अब हम समझते हैं कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। देखिए अगर आप 12 की टेबल लिखेंगे और 18 की टेबल लिखेंगे तो 36 एक ऐसा मल्टीपल है जो इन दोनों के बीच में कॉमन है, मतलब 36 एक ऐसा नंबर है जो 12 की टेबल में भी आता है और 18 की टेबल में भी आता है। ठीक है, और लीस्ट का मतलब क्या हुआ, लीस्ट का मतलब ये सबसे छोटा नंबर है, मतलब 36 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि 12 और 18 की टेबल में आता हो। 36 से बड़े दूसरे नंबर होंगे जो कि 12 और 18 के बीच में कॉमन होंगे, पर 36 से छोटा कोई नंबर नहीं होगा जो कि 12 और 18 की टेबल में आता है। ये मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। मान लीजिए वापस हम यही दो नंबर्स लेते हैं 12 और 18 और हमें हमें बोला जाता है कि इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो वो ये निकालने का भी प्रोसेस ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। देखिए क्या करेंगे, हम ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 18। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों नंबर्स 2 से डिविजिबल है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2, 2 टाइम्स 6 इज 12, 2 टाइम्स 9 इज 18। अब ये दोनों नंबर्स 3 से डिविजिबल है, तो मैं यहाँ 3 लिखूंगा, 3 टाइम्स 2 इज 6, 3 टाइम्स 3 इज 9। अब क्या कोई एक और ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके, नहीं ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो मेरे पास आए 2 और 3, यहाँ पे तो हमने क्या किया था, इधर हमें सभी नंबर्स को डिवाइड करते 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 1 तक लेके आना था। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है, HCF जब निकालते तो ऐसा नहीं करना होता। HCF निकालते टाइम जब आपको ऐसा कॉमन नंबर निकलना बंद हो जाए जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके तो आप रुक जाइए। तो यहाँ पे 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे 6, मतलब 12 और 18 का HCF है 6। ये तो हुआ तरीका HCF निकालने का। HCF का मतलब क्या होता है, अब देखिए 12 के कई सारे फैक्टर्स होंगे, जो नंबर 12 है इसके कई सारे फैक्टर्स होंगे, जैसे कि 1 एक फैक्टर है उसका, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 खुद है। ठीक है, अब जो नंबर 18 है इसके भी कई सारे फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, फिर 9 है और एक 18 है। ठीक है, पर इसमें से एक ऐसा फैक्टर देखिए जो दोनों में है और सबसे बड़ा हो, तो इन दोनों इन दोनों ही नंबर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉमन है दोनों नंबर्स में वो है 6। 6 ऊपर भी आ रहा है, 6 नीचे भी आ रहा है, 6 से बड़ा और कोई सा नंबर नहीं जो दोनों में कॉमन हो, इसलिए इन दोनों का HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो ये अभी हमने सीखा कि LCM क्या होता है और उसे कैसे निकाला जाता है, और HCF क्या होता है और उसे कैसे निकाला जाता है।